बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? हमारा आज का जो लेक्चर है वो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के हवाले से इंतहाई अहम तरीन लेक्चर है। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जो जनरल नॉलेज और पाकिस्तान स्टडी दोनों पोर्शंस के अंदर आती हैं। बेसिकली जो पाकिस्तान का मौजूदा स्ट्रक्चर, हमारे मार्शल लॉज, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशंस, पोलिटिकल गवर्नमेंट्स, ये तमाम चीज़ें हमने आज के इस लेक्चर के अंदर देखनी है। जैसे कि आपको पता, जब हमने इस हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की जो स्ट्रीम लाइन है, जो एक टाइम लाइन है, उसको जो स्टार्ट किया था वो 7500 बीसी से किया था, जब हमने देखा था कि यहाँ पर मेहरगढ़ सिविलाइजेशन, फिर उसके बाद इंडस सिविलाइजेशन आ गई। इंडस सिविलाइजेशन के बाद जो जो बंदा यहाँ पर जो हुक्मरान रहा, मुसलमानों के यहाँ पर आमद से लेकर मुग़लों के जवाल तक, और उसके बाद फिर जब यहाँ पर बरतानिया की गवर्नमेंट बन जाती है, और बरतानिया की गवर्नमेंट के बाद यहाँ पर जब हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जो पहली चीज़ आज हमने देखनी है वो है जी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है। ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट क्या है, क्या इसका मकसद था, 1947 में आया। देखिए, पाकिस्तान जो हमने हासिल किया ये कुछ जंग के ज़रिए से हासिल नहीं किया, जंग नहीं हुई, बल्कि क्या हुआ, तो फिर हम कहते हैं अगर जंग नहीं हुई तो वो जो लोग मरे थे, इनफैक्ट वो लोग इसलिए मरे थे कि जब इस कानून के मुताबिक, ये वो कानून है जिसके ज़रिए से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, जिसके ज़रिए से इंडिया मार्ज़ वजूद में आया। ये कानून किसने दिया? ये कानून दिया यूके ने। एक थोड़ा सा लफ्ज़ आप लोगों का अगर जहन थोड़ा सा वो घुमाएं तो आपको एक लफ्ज़ जहन में आएगा, 3 जून का लफ्ज़, कि 3 जून की क्या अहमियत है, 3 जून 1947 इसकी क्या अहमियत है। आपने 3 जून प्लान का लफ्ज़ पाक स्टडी में पढ़ा होगा और सुना होगा, या अगर ये नहीं सुना तो आप इस शख्स के नाम से वाकिफ़ होंगे, लॉर्ड माउंटबेटन के नाम से। तो लॉर्ड माउंटबेटन प्लान, आपने लॉर्ड माउंटबेटन प्लान या 3 जून प्लान अगर नहीं सुना तो आज जहन में रखें। इनफैक्ट ये हुआ क्या, तारीख थी 3 जून 1947। क्या तारीख थी? 3 जून 1947। उस 3 जून की वजह से इसको क्या कहते हैं, 3 जून प्लान कहते हैं। और जो ये मंसूबा दिया था, किसने दिया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था। क्योंकि 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने यह मंसूबा दिया था, लिहाजा इस मंसूबे को क्या कहा जाता है, अक्सर 3 जून प्लान कहा जाता है और अक्सर लॉर्ड माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। तो इसका इसके साथ क्या ताल्लुक है? दर हकीकत ये जो प्लान दिया था 3 जून को लॉर्ड माउंटबेटन ने, यह प्लान था तकसीम हिंद का, कि जी इस तरह डिवाइड किया जाए। किस तरह डिवाइड किया जाए? कि मुस्लिम अक्सरियत के जो सूबे हैं उनको पाकिस्तान में शामिल कर दिया जाए, और जो हिंदू अक्सरियत के सूबे हैं उनको इंडिया में शामिल कर दिया जाए, और आज़ाद रियासतों को उनकी मर्ज़ी पर छोड़ दिया जाए। ये सारी बातें 3 जून को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने उस मंसूबे में रेडियो पर कही थी, जिसकी वजह से इसको 3 जून प्लान या लॉर्ड माउंटबेटन प्लान कहते हैं। और फिर इसी प्लान को, इसी मंसूबा को बरतानिया की पार्लियामेंट में पेश किया गया, और वहाँ पर जो बरतानिया के उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे, क्लेमेंट एटली, ये उनका नाम है, तो क्लेमेंट एटली ने इसको पास किया कि ठीक है जनाब, आप इसी मंसूबे के मुताबिक इंडिया को तकसीम कर दें। तो हमसे अगर पूछा जाए कि जनाब ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है, इसकी बेसिस किस में है? इसकी बेस है 3 जून प्लान में। 3 जून प्लान किसने दिया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। या लॉर्ड माउंटबेटन ने मंसूबा कब पेश किया था? 3 जून को पेश किया था। ये मंसूबा किस चीज़ के हवाले से था? इंडिया की तकसीम के हवाले से था। ये मंसूबा आगे जाके क्या बन गया? यही मंसूबा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना। इसको कानून के तहत बरतानिया की पार्लियामेंट ने पास किया, और इस कानून के मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग रियासतें बन गई। अच्छा, इस कानून में क्या कहा गया था? इस कानून में डेट थी 15 अगस्त की, 15 अगस्त 1947 को तकसीम होनी थी। और इसमें एक चीज़ जहन में रखें, जो ये कानून है इसमें कहा गया था कि अगर दोनों मुल्क, कौन कौन से दोनों मुल्क, एक तो हो गया जनाब पाकिस्तान और दूसरा क्या हो गया, इंडिया, कि अगर पाकिस्तान और इंडिया चाहें तो एक गवर्नर जनरल रख लें, और अगर चाहें तो अलग अलग गवर्नर जनरल रख लें। अब बात यहाँ पर यह है कि जब हम तकसीम कर चुके हैं तो फिर हम एक गवर्नर जनरल के तहत अगर काम करते हैं तो फिर तो बात वहीं की वहीं रह जाएगी। तो लिहाजा यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि 14 अगस्त 1947 को कायदे आज़म ने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का हलफ उठा लिया।
अगली साइड पर क्या हुआ, इंडिया की तरफ क्या हुआ, आपको पता है कि इंडिया अपना यौम आज़ादी कब मनाता है? 15 अगस्त 1947, वो 15 अगस्त को मनाता है। और 15 अगस्त को इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने यहाँ पर होशियारी के साथ लॉर्ड माउंट बैटन को अपना पहला गवर्नर जनरल। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल ये आ जाता है कि सर ये बताएं कि ये गवर्नर जनरल क्या होता है। अभी आपने कभी कोई गवर्नर जनरल का लफ्ज़ सुना है आजकल? नहीं सुना। गवर्नर का लफ्ज़ कभी सुना है? गवर्नर नहीं सुना। गवर्नर सुनते हैं, गवर्नर जनरल नहीं सुनते। गवर्नर कहाँ बैठता है जनाब? सूबे के अंदर बैठता है। अच्छा, छोटा सा अभी ये चीज़ें समझने की हैं, समझ लें, दिमाग को खोल लें, सारी ज़िंदगी काम आएगा, नहीं तो फिर सारी ज़िंदगी रोते ही रहेंगे, सर मुझे नहीं आता। इसी तरह आप लोग चलते रह जाएंगे, थोड़ा सा भी दिमागों को खोल लें। देखें जी, ये हो गया सूबा, ये दूसरा सूबा, ये तीसरा सूबा, और ये हो गया हमारा, हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, चार सूबे। हर सूबे में एक बंदा बैठा होता है जिसको क्या कहते हैं? गवर्नर। क्या कहते हैं जनाब उसको? गवर्नर। एक वजीर आला होता है और एक कौन होता है? गवर्नर होता है। ठीक हो गया जनाब। अब गवर्नर के साथ अगर हम वफाक में चले जाएं, तो एक में इधर वजीर आला होता है और वफाक में कौन होता है? वजीर आजम। और वजीर आजम के साथ एक और बंदा, तो उसको हम क्या कहते हैं? सदर। क्या कहते हैं? सदर कहते हैं। तो सिंपल देखें जनाब कि सूबों में कौन बैठता है? गवर्नर। और वफाक में कौन बैठता है? सदर बैठता है। जब पाकिस्तान बना था तब सदर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता था, तो तब क्या होता था, हर सूबे में कौन होता था? गवर्नर। और इनके ऊपर एक बड़ा होता था जिसको कहते थे कि जनाब ये कौन है? ये है गवर्नर जनरल। तो जब हम कहते हैं कि कायद आज़म पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे, तो मतलब कायद आज़म पाकिस्तान के पहले क्या थे? सदर पाकिस्तान थे। क्यों? क्योंकि सदर का पुराना नाम क्या था? गवर्नर जनरल पाकिस्तान में कितने होते थे? सिर्फ एक। हर सूबे के गवर्नर होते थे और ऊपर एक गवर्नर जनरल होता था। फिर क्या हुआ, पाकिस्तान बन गया। अब यहाँ से गौर से सुनते जाएँ, चीज़ें क्लियर करते जाएँ, इतना मुश्किल नहीं, सिर्फ समझना है आप लोगों ने। और समझना क्या, पाकिस्तान बन गया जी 14 अगस्त 1947 को, और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन बन गए? कायद आजम बन गए। अच्छा जी, फर्स्ट गवर्नर जनरल, अब ये पॉइंट, यहाँ से एक सवाल लाजमी आता है, पाकिस्तान का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था जनाब? कायद आजम। अच्छा, दूसरा कौन हो गया? दूसरा हो गया, सेकंड हो गया ख्वाजा नाजमुद्दीन। ये भी अभी आपको मैं कहानी सुनाता हूँ कि ये क्या कहानी बनी थी, लेकिन आप याद रखें, दूसरा कौन हो गया? ख्वाजा नाजमुद्दीन हो गया। थर्ड कौन था जनाब? थर्ड हो गया गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद, आपको सारे नाम आने चाहिए। और फोर्थ कौन हो गया? फोर्थ हो गया सिकंदर मिर्ज़ा। अब यहाँ पर आप ठहर जाएं, पहली बात आपको क्या याद होनी चाहिए, पाकिस्तान के टोटल कितने गवर्नर जनरल हो चुके हैं? टोटल कितने हुए हैं? चार। पहला कायदे आज़म, दूसरा ख्वाजा नाजमुद्दीन, तीसरा गुलाम मोहम्मद, और चौथा सिकंदर मिर्ज़ा। सिकंदर मिर्ज़ा पे स्टॉप लग गया। क्या लग गया? स्टॉप। यहाँ पर स्टॉप लग गया। तो अगर कोई हमसे ये पूछे कि पाकिस्तान में टोटल कितने गवर्नर जनरल आए हैं, तो टोटल कितने आए हैं? चार। पाकिस्तान में टोटल कितने? चार गवर्नर जनरल। चौथा कौन था? सिकंदर। तो फिर क्या हुआ, सिकंदर मिर्ज़ा ने क्या किया? सिकंदर मिर्ज़ा ने 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला आइन दे दिया। अभी आपको ये पता चला कि पाकिस्तान का पहला आइन, ये बात, ये डेट याद रखनी है आप लोगों ने, ज़रूर याद रखनी है। पाकिस्तान का पहला आइन कब आया? 23 मार्च। जब मैं उनको कहता हूँ ना कि ज़रूर, तो तुम उसमें शामिल हो, ठीक है? तो पाकिस्तान का पहला आइन कब आया? 23 मार्च 1956 को हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आया। जब ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आया, कब आया? 23 मार्च 1956 को। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि जी जो गवर्नर जनरल है उसको कर दो ख़त्म, गवर्नर जनरल को क्या कर दो? ख़त्म कर दो। इसकी जगह कौन सा ओहदा लेकर आ जाओ? इसकी जगह ओहदा लेकर आ जाओ आप प्रेसिडेंट। तो पाकिस्तान में प्रेसिडेंट का ओहदा कब आया? 23 मार्च 1956 के आइन। और ये आइन किसने दिया? जो यहाँ पर बैठा था, कौन बैठा था? सिकंदर मिर्ज़ा। तो फिर इसने आइन दिया, गवर्नर जनरल के ओहदे को क्या कर दिया? ख़त्म। कौन सा ओहदा स्टार्ट कर दिया? सदर का। और बन गया पाकिस्तान का फर्स्ट प्रेसिडेंट, कौन था? सिकंदर मिर्ज़ा। अब यहाँ पर आपको पता चला
दैट सिकंदर मिर्ज़ा वाज द फोर्थ एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। क्यों जनाब? क्योंकि उसने 23 मार्च, अच्छा एक और चीज़ जहन में रख लें, 23 मार्च 1956, उससे पहले पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट नहीं था। जो अदालत थी उसको क्या कहते थे, यहाँ से पहले पहले उसको कहते थे फेडरल कोर्ट, शरीयत नहीं, खाली क्या कहते थे, फेडरल कोर्ट। और 23 मार्च 1956 में इसको नाम मिला था, क्या नाम मिला था, सुप्रीम कोर्ट का। तो भाई आपसे ये पूछा जाए कि जी सुप्रीम कोर्ट किस आइन के तहत बना था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बना था। सुप्रीम कोर्ट था कहाँ पे, ये कराची में था, क्योंकि पाकिस्तान जब बना था 14 अगस्त 1947 को, तो हमारा जो पहला दारुल खिलाफा था, जो पाकिस्तान का कैपिटल था पहला, वो क्या था, वो कराची था। आपको पता होना चाहिए व्हाट वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, कराची पाकिस्तान का पहला कैपिटल था। 1960 में ये चेंज हुआ और क्या बन गया, इस्लामाबाद बन गया। इस्लामाबाद 906 स्क्वायर किलोमीटर, ये इसका एरिया भी आपने याद रखना जनाब, ये 1960 में बना है। उससे पहले कौन सा हमारा दारुल खिलाफा था, कराची था। ये सारे मामलात, ये सदर वज़ीर आज़म सब लोग कहाँ बैठते थे, ये सब के सब कराची में बैठते थे। सुप्रीम कोर्ट, जो चीज़ें भी आपको इस्लामाबाद में नज़र आती हैं, ये सब की सब चीज़ें कहाँ पर थी, पहले कराची में थी, जब कराची से। और ये जो इस्लामाबाद था, ये पंजाब यानी कि रावलपिंडी का हिस्सा था, ये पंजाब का हिस्सा था, फिर इसको अलग करके दारुल खिलाफा बना दिया गया। जो बातें जहन में रखनी हैं, भूलनी नहीं है, और जिस तरह मैं बता रहा हूँ, किसी भी वक्त मैं आपसे इसी तरह ही पूछूंगा, हाँ जी बताओ गवर्नर जनरल कौन से हैं, और अगर आपने ना बताया तो ऑन द स्पॉट आपसे हम क्या लेंगे, आज के बाद इंशाल्लाह जुर्माना जुर्माना लेंगे, ठीक है। सही बाजी रोशीन, नौरीन, जहरीन, परवीन, जो भी हो, एक्स वाई जेड, बस नून आखिर पे आता है, इतना मुझे पता है, और अजीब नाम है मुझे हमेशा भूल जाता है, क्या था, शर्म, रोशीन, शीन कर देते हैं उसको, बाजी शीन, ताकि याद रह जाएगा। अच्छा जनाब, क्या बातें याद जो रखनी है, ठीक है, कितने गवर्नर जनरल गुजरे पाकिस्तान के, 4, कायदे आज़म, उसके बाद दूसरा कौन सा, ख्वाजा नाजमुद्दीन, गुलाम मोहम्मद और सिकंदर मिर्ज़ा। तो फिर रुक क्यों गए, क्योंकि सिकंदर मिर्ज़ा ने गवर्नर जनरल के अहदे को रिप्लेस कर दिया, किसके साथ, प्रेसिडेंट के साथ, और ख़ुद क्या बन गया, पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट बन गया। और उसके बाद जो है फिर आगे प्रेसिडेंट चलते गए, और अभी जो आपके डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, वो हम एक इसकी लिस्ट प्रेसिडेंट की पूरी करेंगे। अच्छा फिर क्या हो गया जनाब, 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का क्या बना, पहला आइन बना, और जो ये पहला आइन है ये किसने दिया था, सिकंदर मिर्ज़ा ने दिया था। और ये आइन किस किस्म का था, इसमें एक लफ्ज़ जहन में रखें, पार्लियामेंट्री था जनाब, कौन सा आइन था, पार्लियामेंट्री। अच्छा यहाँ पर पार्लियामेंट्री को भी क्लियर कर लें, और एक और चीज़ पहले इधर ही क्लियर कर लें, फिर मैं आपको बाकी चीज़ें सारी की सारी समझा देता हूँ, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएँ। मैं आपको अभी एक टेबल बता रहा हूँ, ये बहुत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेबल है पाकिस्तान के हवाले से, जो आपको समझना चाहिए, और वो मैं आपको एक पेज के ऊपर यहाँ पर ऐसे समझाता हूँ। इधर जनाब हम लगाते हैं, एक छोटी सी लाइन लगाते हैं, और फिर इधर एक लाइन लगा देते हैं जनाब, और उसके बाद एक लाइन लगा देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं। ये लाइनें मैंने क्यों लगाई हैं, ये लाइनें मैंने इसलिए लगाई हैं कि यहाँ पे मैं लिखूँगा फ़र्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, आपको बताऊँगा जो चीज़ें आपने ज़रूर 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 जहन में रखनी है। इधर है सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैं आपको बताऊँगा, और इधर मैं आपको बताऊँगा जनाब थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। दिमाग की बत्तियाँ खोल लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ जो पेपर में ज़रूर आनी है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा फर्स्ट मार्शल लॉ के बारे में, और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा सेकंड मार्शल लॉ के बारे में, और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा थर्ड मार्शल लॉ के बारे में। अगर आपसे मैं ये पूछूँ कि अगर इस बोर्ड को पढ़ के मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान में कितने आइन आए हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, कितने हैं, 3। और अगर इसी बोर्ड से मैं पूछूँ कि पाकिस्तान में कितने मार्शल लॉ लगे हैं, तो जवाब क्या होगा, 3। तो पाकिस्तान में टोटल आइन भी कितने आए, 3, और मार्शल लॉ भी कितने लगे, टोटल 3 लगे जनाब। अच्छा पहला आइन, पहले आइन के बारे में पढ़ते हैं, 23 मार्च 23 मार्च, देखिए इसकी डेट याद रखना बड़ी आसान है, 23 मार्च हमारे लिए वैसे भी है, हमें 23 मार्च 1956 को भूलने वाली डेट है ही कोई नहीं। दूसरी बड़ी डेट कौन सी हमारी, इससे भी बड़ी डेट जो हम हमेशा मनाते हैं, हर साल अपनी आज़ादी के तौर पर मनाते हैं, 14 अगस्त मनाते हैं, तो जो तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन है ये 14 अगस्त 1973, तो ये डेट भूलने वाली हैं, ये तो आसानी से खुद ब खुद याद होगी। पहला कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था, 23 मार्च 1956, मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन कब आया, 14 अगस्त
73 दरमियान वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है सेकंड वाला, इसकी डेट थोड़ी सी है जनाब, ये 8th जून है 1962, 8th जून को आया था। अच्छा, अब जो चीज़ें याद रखने वाली हैं, जो भूलने वाली नहीं हैं, वो कौन सी हैं? ये जो पहला हमारा आइन, अब देखते जाना, एक चीज़ आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि ये भी आइन कौन सा था, पार्लियामेंट्री, और ये आखिरी आइन भी जो मौजूदा आइन है ये कौन सा है, पार्लियामेंट्री। ये पार्लियामेंट्री आइन को ऐसा होता है, और सिर्फ आपसे ये कई बार पूछा भी जा चुका है पेपर में और पूछा भी जाएगा कि जी पाकिस्तान में क्या कभी कोई प्रेसिडेंशियल आइन रहा है, अगर रहा है तो कौन सा है? तो एक ही आइन प्रेसिडेंशियल है, और वो कौन सा है जनाब, वो हमारा है 1962 का आइन। फ़र्क क्या है जनाब, इसको समझ लें, आज आखिरी दिन है, याद रख ले, कोई पता नहीं कल को आप में से कोई अल्लाह को प्यार हो जाए, परसों को फिर ज़िंदगी का कोई पता नहीं आप में से कोई टूट जाए, अल्लाह का कह रहा है मैं, मेरे लिए दुआ करने वाले बहुत से लोग हैं तो मेरी तो भी ज़िंदगी है, तो इसलिए मैं अपने ऊपर क्यों बाजीशीन, ऐसे ही है ना। तो उसमें क्या चीज़ है जनाब, उसमें ये है, फ़र्क क्या है? अच्छा, अगर बाकी आपको पता हो या ना हो, अगर मैं कहूँ कि मौजूदा सिस्टम हमारा पार्लियामेंट्री है, कौन सा सिस्टम है जनाब, पार्लियामेंट्री, क्या किसी ने कभी वोट डाला है आप लोगों में से? क्या वोट डायरेक्ट सदर के नाम पे डाला था, वज़ीर आज़म या एमएनए के नाम पे डाला था? वोट किसको डालते हैं? एमएनए को डालते हैं। एमएनए किस चीज़ का हिस्सा है? पार्लियामेंट का हिस्सा है। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें आवाम किसको मुंतखब करती है? पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट किसको आगे लेकर चलती है? वो आगे अपने लिए वज़ीर आज़म बनाती है, वो अपने लिए सदर बनाती है, और वो सारे काम वो करती है। जहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है वहाँ पर बराह रास्त अवाम जो वोट डालती है वो उस सदर के नाम का डालती है। अमेरिका है ना, डायरेक्ट किसके नाम का वोट डालता है? उधर मेंबर के नाम का नहीं डलता, किसके नाम का डलता है डायरेक्ट? सदर के नाम का। तो जहाँ पर डायरेक्ट सदर के नाम का वोट डलेगा वो कौन सा सिस्टम होगा? प्रेसिडेंशियल। और जहाँ पर वोट किसके नाम का डलेगा? उसके पार्लियामेंट के नाम को, उसको हम क्या कहेंगे? पार्लियामेंट। अच्छा, एक और बात जहन में रखें, हमारे मुल्क में सदर है या नहीं है? है। कभी आपने अमेरिका के वज़ीर आज़म का नाम सुना है? अमेरिका का वज़ीर आज़म नहीं सुना। अमेरिका में पावरफुल कौन है? सदर। पाकिस्तान में पावरफुल कौन है, सदर या वज़ीर आज़म? वज़ीर आज़म पावरफुल है हमारे। असल में आपने एक चीज़ जहन में रखनी है, ये दो बंदे होते हैं, एक को हम कहते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट और एक को हम कहते हैं हेड ऑफ स्टेट। क्या कहते हैं? हेड ऑफ स्टेट। इधर भी ये दो होते हैं, एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट और एक होता है हेड ऑफ स्टेट होता है जनाब। इधर भी ऐसा ही होता है क्योंकि पार्लियामेंट्री वो सेम, उधर वही सेम चीज़। आपको एक चीज़ पता चलेगी कि 1956 और 73 का आइन आपस में मिलते जुलते हैं, 62 का आइन थोड़ा क्या है, मुख्तलिफ। अब गौर से देखें, पावरफुल कौन होगा जी, सदर पावरफुल होगा या वज़ीर आज़म? ना बात सदर की है ना बात वज़ीर आज़म की है। जो गवर्नमेंट बनाएगा, को गवर्नमेंट कौन बनाएगा? जो वज़ीरों के ऊपर बैठेगा वज़ीर आज़म बन के, जो वज़ीरों को कंट्रोल करेगा, जो कैबिनेट बनाएगा, वो क्या होगा? वो पावरफुल होगा। हमारा अभी काबीना का इजलास कौन उसकी सदारत करता है? वज़ीर आज़म। तो जो आपकी पार्लियामेंट्री फार्म होती है वहाँ पर गवर्नमेंट कौन बनाता है? प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर क्या हो जाता है? पावरफुल हो जाता है। जो प्रेसिडेंशियल फार्म होती है ना उसमें हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ़ द स्टेट दोनों एक ही होता है, और वो कौन होता है? कौन होता है वो जनाब? प्रेसिडेंट। इसलिए मैंने आपको बताया कि जिधर प्रेसिडेंशियल फार्म होगी वहाँ पर वज़ीर आज़म होगा ही नहीं, वहाँ पर दोनों अहदे किसके पास होंगे? एक बंदे के पास, और वही जब एक ही बंदा होगा वही गवर्नमेंट का हेड होगा, वही स्टेट का हेड होगा, तो पावरफुल कौन होगा? वही होगा। लेकिन पार्लियामेंट्री फार्म में हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट अलग है और हेड ऑफ़ द स्टेट क्या है? अलग। जब ये दो अलग अलग हैं, जो गवर्नमेंट का हेड होगा वो पावरफुल होगा और हेड ऑफ़ द स्टेट क्या करेगा? वो सिर्फ 23 मार्च को खड़े होकर लोगों को तमगे लगाएगा, बस उसका इतना ही काम है। उसको कहा जाता है सेरेमोनियल हेड। ये एजाजी सदर है, प्रैक्टिकल सदर नहीं है। अभी तक बाकी बातें सारी भूल जाए जनाब, ऐसे जब मैं जब पढ़ता था ना, जब 10वीं 11वीं 12वीं और इस तरह का कोई भी मसला होता था, जब कोई टीचर हमें ज़्यादा पढ़ाता था तो मैं सर चुप करके नीचे करता था, और जिस तरह कंप्यूटर में F5 दबाते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं आप लोग, F5 दबाओ तो कंप्यूटर क्या करता है? ऐसे करता है ना कंप्यूटर। तो मैं भी जब कुछ चीज़ें ज़्यादा हो जाती मैं भी करता हूँ ऐसे करके, एक्स्ट्रा चीज़ों को क्या करता था, निकाल देता था और याद रखता था। 56 के आइन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, 73 में भी पार्लियामेंट्री और 62 में प्रेसिडेंशियल। अगर हमसे पूछे कोई
क्या पाकिस्तान में कभी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रही है? तो जी हाँ, बिल्कुल रही है। कब रही है? 1962 के अंदर हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहा है, उसके अलावा नहीं रहा। अच्छा, अगली बात ध्यान में रखें, यहाँ पे मैं लफ्ज़ लिखूँगा यूनी कैमलर, इधर भी लफ्ज़ लिखूँगा यूनी कैमलर, और इधर लफ्ज़ लिखूँगा मैं बाई कैमलर, तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि ये क्या है। अच्छा, व्हाट इज़ मेंट बाय यूनी कैमलर और बाई कैमलर? यूनी कैमलर और बाई कैमलर का ये मतलब है, यूनी, यूनी का मतलब होता है एक, बाई का मतलब होता है दो, ट्राई का मतलब होता है तीन। यूनी कैमलर एक एवानी, यक एवानी मुकन्नना, एक ऐसी कानून साज असम्बली जिसके सिर्फ कितना हाउस होगा, एक, और बाई कैमलर में कितने होंगे, दो। पाकिस्तान में यूनी कैमलर है या बाई कैमलर है? सेनेट और नेशनल असम्बली कितने हाउस हैं? दो, एक अपर और एक क्या है, लोअर। लेकिन ये 1973 में जाके बना है, 73 से पहले बाई कैमलर नहीं था। अब आपको किस सवाल का जवाब मिला? अगर आपसे कोई ये पूछे कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट यूनी कैमलर है या बाई कैमलर, तो आपका जवाब क्या है, क्या है, बाई कैमलर। अगर कोई आपसे पूछे कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट बाई कैमलर कब बनी थी, 1973। अगर कोई आपसे पूछे कि सेनेट कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था पाकिस्तान की हिस्ट्री में, तो सेनेट कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1973। उससे पहले सेनेट हमारे पास नहीं था। सेनेट कब आ गया, 1973 में आ गया। और कौन कौन सा, अच्छा हम अलग कब हुए, 1971 में बांग्लादेश से अलग हुए हैं ना, उससे पहले हम क्या थे, इकट्ठे थे। तो लिहाजा यहाँ पर हमारी ज़ुबान क्या थी, उर्दू प्लस बंगाली। इधर भी क्या ज़ुबान थी हमारी, उर्दू प्लस बंगाली। जब हम अलग हो गए तो हमारी ज़ुबान क्या हो गई, यहाँ पर हमारी ज़ुबान आई उर्दू प्लस इंग्लिश। लेकिन एक चीज़ जहन में रख लें आप ज़रा, इंग्लिश थी सिर्फ 15 साल के लिए। कितने अरसे के लिए, 15 साल के लिए। अगर हम आइनी तौर पर कहें तो पाकिस्तान से इंग्लिश ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि आइन में लिखा गया था कि 15 साल बाद हम, लेकिन मसला क्या था, आइन कहता था कि 15 साल में हम अपनी तमाम किताबों को, हम अपनी तमाम चीज़ों को इंग्लिश से उर्दू में क्या कर लेंगे, ट्रांसलेट कर लेंगे, और फिर हमारे मुल्क में उर्दू आ जाएगी। बाजी बेड़े गर्क हो जाए ना, था इन्होंने की किया, इन्होंने हर चीज़ में चक्या इंग्लिश उर्दू चुकी है, करता इंग्लिश। हमारे सरकारी स्कूल किस में चलते थे, उर्दू पे चलते थे। अब किस में हो गए सारी की सारी चीज़ें, इंग्लिश। तो LLB किस में होता था, उर्दू में होता था, हमने किस में कर दिया, इंग्लिश में। हर चीज़ को उठाकर हमने किस में, अभी तो हम इस्लामियात का पेपर भी किस में देते हैं, इंग्लिश में देते हैं जनाब। कुछ अरसे बाद ये ना खुदा ना खासा कि उर्दू का पेपर भी किस में आना शुरू हो जाए, अगर वो आए ना आए पर आता है, उर्दू के पेपर में उर्दू से इंग्लिश की ट्रांसलेशन होती है, उर्दू के पेपर में भी हम इंग्लिश को क्या करते हैं, लेकर आ जाते हैं ना। तो ये आइन की खिलाफ वर्जी है पर मजबूरी है, क्योंकि हम ज़हनी तौर पर ग़ुलाम लोग हैं, तो इसलिए भी हमने उस मजबूरी को ज़रूरी करते हुए अपने कॉलेज में क्या लगा दी है, इंग्लिश लगा दी है। क्योंकि नेपोलियन कहता है, इफ़ यू आर अगेंस्ट द सिस्टम बी पार्ट ऑफ द सिस्टम, गो एट द टॉप एंड देन चेंज इट। नीचे बैठ के लड़ाइयाँ लड़ने से सिस्टम चेंज नहीं होगा, सिस्टम चेंज करना तो उसका हिस्सा बने, टॉप पर जाएं और फिर चेंज करें। लेकिन रोला पता की है, जिस टाइम बंदा टॉप पर जाता है ना, बंदा खुद उसके नाल मिल जाता है, फिर वो उसमें चेंज करने वाली खासियत क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। खैर वो अलग बात है। यहाँ तक समझ आ रही है, ये बस ऊपर से जा रही हैं बातें, ये मैंने रोज़ाना रोज़ाना सुनना है, अभी ये पक्की पक्की बातें हैं। अच्छा जनाब, उर्दू बंगाली इंग्लिश कितने अरसे के लिए थी, 15 साल के लिए। अच्छा, और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमने जहन में रखनी है और हमें पता होनी चाहिए? अच्छा, एक और चीज़ जहन में रखें, यहाँ पर भी डायरेक्ट इलेक्शन था, यहाँ पर इनडायरेक्ट था। अच्छा, इसी को एक लफ्ज़ याद रख ले, पेपर में आता है BD, क्या लफ्ज़ आता है BD, जिसको हम कहते हैं बेसिक डेमोक्रेसी, और इनडायरेक्ट का लफ्ज़ मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। इधर भी लफ्ज़ डायरेक्ट का लिखूँगा, लेकिन एक चीज़ मैं साथ लिखूँगा, पाकिस्तान में कितनी एज वाला बंदा वोट डाल सकता है, 18 साल। हर बंदा वोट डाल सकता है या कोई ख़ास ख़ास बंदा वोट डाल सकता है? हर वो बंदा जिसकी 18 साल उम्र है, जिसके पास शनाख्ती कार्ड और वोटर लिस्ट पर उसका नाम है, वो वोट डाल सकता है। अच्छा, 1956 में ये एज कितनी थी, कितनी थी, 21 साल। अब कितनी हो गई, 18 साल, पहले 21 और अब क्या है, 18। मैंने दरमियान में कुछ नहीं लिखा, मैंने दरमियान में क्या लिखा है, BD। जो सदारती इलेक्शन हुआ था ना, उसमें हर बंदा वोट नहीं डाल सकता था। 40,000 बंदे थे ईस्ट पाकिस्तान से, और 40,000 बंदे कहाँ से थे, जमा 40,000 वेस्ट पाकिस्तान। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जी जो सदारती इलेक्शन, पाकिस्तान में एक इलेक्शन हुआ सदारती,
बाकी सारे इलेक्शन कौन से हुए हैं, वज़ीर आज़म वाले पार्लियामेंट्री हुए हैं। सदारती इलेक्शन जो हुआ था 1963-64 में हुआ था, और मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहिबा का मुकाबला था अयूब ख़ान के साथ, जिसमें अयूब ख़ान जीता था और कायद आज़म की बहन फातिमा जिन्ना हार गई थी। ये पाकिस्तान का पहला सदारती इंतखाब था। आपसे ये भी पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि जी अयूब ख़ान का मुकाबला किसके साथ हुआ था सदारती इंतखाबात में? फातिमा जिन्ना साहिबा से हुआ था। खैर, उस इलेक्शन में क्या था, 40,000 बंदे ईस्ट पाकिस्तान से और 40,000 बंदे वेस्ट पाकिस्तान से, इसलिए इसको कौन सा इलेक्शन कहते हैं, क्यों इनडायरेक्ट कहते हैं? इसमें हर बंदे ने वोट नहीं डाला था। डायरेक्ट इलेक्शन कौन सा होता है जिसमें हर बंदा वोट डालता है, उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन। जिसमें हर बंदा वोट ना डाल सके उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जनाब इनडायरेक्ट इलेक्शन। अच्छा, ये तो हो गया, डायरेक्ट इलेक्शन भी हो गया हमारा और इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात भी होगी। अब आगे चलते हैं जनाब, चीज़ों को क्लोज़ करते हैं, हमने आगे ढेर सर आगे आगे जाना है, अगर हम इतना स्लो स्लो चलेंगे तो फिर हम पहुँच नहीं सकेंगे। जी कहाँ से चलें जी? अच्छा देखो जी, 23 मार्च 1956 आइन दिया किसने था? आइन दिया था इस्कंदर मिर्ज़ा साहब ने। और इस्कंदर मिर्ज़ा क्या हैं? पाकिस्तान के चौथे गवर्नर जनरल और पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट। इस्कंदर मिर्ज़ा साहब क्या हैं जनाब? फोर्थ। पाकिस्तान में टोटल गवर्नर जनरल कितने आए हुए हैं? 4। और ये पाकिस्तान का पहला क्या है? पाकिस्तान का पहला सदर है। इसने आइन दे दिया। अच्छा, आइन कौन सा दिया? पार्लियामेंट्री दिया ना, पार्लियामेंट्री दिया। सिकंदर मिर्ज़ा ने कौन सा आइन दिया? सिर्फ एक प्रेसिडेंशियल आया है 1962 का, बाकी दो कौन से आए हैं? वो भी पार्लियामेंट्री और ये भी क्या आया? खोल के मैं तेरा बेड़ा गरक जाए, सुती पई है तू। अभी नाम भी ले दो कि किसको मैंने डांटा था, कि लेक्चर की रिकॉर्डिंग में सबको पता चल जाए। क्या नाम है तेरा? नायला परवीन है ना? अखा खोल के देख, ऐनक लगा लग तेरा बेड़ा गरक जाए। ऐ देख, अखा खोल के बैठ। अच्छा जनाब, पार्लियामेंट्री में पावरफुल कौन होता है? पीएम पावरफुल होता है। पार्लियामेंट्री में पावरफुल कौन होता है? पीएम। सिकंदर मिर्ज़ा खुद क्या था? खुद क्या था? सदर था। और आइन कौन सा दे बैठा? पार्लियामेंट्री। अगर आइन के तहत इलेक्शन होते तो पावर किसके पास चली जाती? पीएम के पास। इसके पास कुछ रहता नहीं, इसने आइन नहीं होने दिए, इसने इलेक्शन नहीं होने दिए। एक बार इलेक्शन को डिले किया, दूसरी बार डिले किया, लोगों ने शोर मचा दिया, इसने वज़ीर आज़म चेंज कर दिया। फिर शोर मचाया, इसने फिर वज़ीर आज़म चेंज कर दिया। फिर शोर मचाया, इसने फिर वज़ीर आज़म चेंज कर दिया। सिकंदर मिर्ज़ा ने कितने वज़ीर आज़म चेंज किए? 3 वज़ीर आज़म चेंज किए। फ़िरोज़ खान नून, इब्राहिम इस्माइल चदड़ीगढ़, उसके बाद चौधरी मोहम्मद अली। क्यों चेंज किए? कि मेरे पास पावर रह जाए। क्यों पावर रह जाए? कि ये सबको कहता था जी मुझे सदर रहने देना है, मैं फिर आपको इलेक्शन करवा देता हूँ। जब इसको पता चलता कि लोग कह रहे हैं कि एक बार सदर सानू बन देते वज़ीर आज़म, फिर तेनों देख लाँगे, ये फ़ौरन उसको क्या करता? हटा देता। और इसने इलेक्शन नहीं होने दिए। जब इलेक्शन नहीं होने दिए तो यहाँ पर बड़ा शोर शराबा शुरू हो गया। जब शोर शराबा शुरू हुआ तो इसने क्या किया, बजाय इसके कि इलेक्शन करवाता, इसने 7 अक्टूबर 1958 को लफ्ज़ यूज़ होता है एब्रोगेट। क्या लफ्ज़ यूज़ होता है? पाकिस्तान का आइन एब्रोगेट कर दिया, खुद बनाया। एक बात ध्यान में रखनी, यहाँ पर बड़े कन्फ्यूजन है और पेपर में हर साल सवाल आया और सब लोग गलत करके आते हैं। ये जो 49 नंबर वाले हैं ना, ये एक नंबर इधर से जाता है और किधर से जाता है? पहला आइन किसने मनसूख किया था? वो किया था सिकंदर मिर्ज़ा ने। फिर इसने क्या किया, आइन मनसूख किया और अयूब ख़ान को इसने दावत दी कि भाई साहब आप आओ और आकर मार्शल ला लगाओ। तो इसी सेम डेट को फर्स्ट मार्शल ला लगा। देखिए, अगर हमसे कोई पूछे कि पहला मार्शल ला एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, वो कौन है? अयूब ख़ान। पहला आइन एब्रोगेट किसने किया था, वो किसने किया था? सिकंदर मिर्ज़ा। और देखें, पाकिस्तान 1947 में बना, 9 साल हमने लगाए आइन बनाने में और 2 साल में उस आइन को क्या कर दिया, ख़त्म भी कर दिया। इंडिया ने पहला आइन कब बनाया? 1950। आज तक इंडिया का कौन सा आइन चल रहा है? 1950। और हम कितने आइन बदल चुके हैं? 1956 1962 1973 के आइन के तनाजुर में अभी तक हम हैं। अभी तक हमारा कौन सा आइन चल रहा है? 1973। ये आइन हमारा ख़त्म नहीं हुआ,
तो समझाना क्या था, पहला आइन, अगर हमसे कोई पूछे पहला मार्शल लॉ कब लगा, 7 अक्टूबर 1958, पहला आइन कब एब्रोगेट हुआ, 7 अक्टूबर 1958, जिस दिन आइन एब्रोगेट हुआ उसी दिन क्या लगा, मार्शल लॉ लगा। आइन एब्रोगेट किसने किया, सिकंदर मिर्जा ने। मार्शल लॉ किसने लगाया, अयूब खान ने। अयूब खान को बुलाया किसने, सिकंदर मिर्जा ने। यहाँ तक समझ आ गई। अच्छा जी, पहला मार्शल लॉ लग गया 7 अक्टूबर 1958 को, और मार्शल लॉ लगाने वाला अयूब। अच्छा, अयूब खान की दो तीन बातें जहन में रख लें। अगर कोई हमसे पूछे फर्स्ट नेटिव चीफ, लफ्ज़ क्या लिखा मैंने, ये नेटिव का मतलब क्या होता है, ये फर्स्ट चीफ नहीं है, फर्स्ट नेटिव चीफ है। मतलब इससे पहले पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे वो अंग्रेज़ थे। जो पहला लोकल यहाँ का रिहायशी जो चीफ बनता है वो कौन था, अयूब खान था। आर्मी में जो सबसे बड़ा होता है वो कौन होता है, आर्मी चीफ होता है ना। कितने स्टार होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, 4 सितारे होते हैं बाजी, तेरा बेड़ा करके तेनों पता ही नहीं, छोट बाबे तो तुम्हें कोई नहीं पता जालमो, ओके पढ़ मार लो। ब्रिगेडियर पे पहला स्टार लगता है, किस पे लगता है पहला स्टार, ब्रिगेडियर। कितने स्टार होता है, 1 स्टार होता है। फिर उसके बाद मेजर जनरल होता है, कितने स्टार होता है वो, 2 स्टार होता है। एक छोटे सितारे होते हैं, पहले कौन से छोटे सितारे होते हैं, वो नीचे होते हैं। छोटे सितारे किस में होते हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट को होता है, फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट को होता है, और फिर क्या हो जाता है, कैप्टन की तरफ चला जाता है। सेकंड लेफ्टिनेंट के कितने सितारे होते हैं, एक। लेफ्टिनेंट के कितने होते हैं, 2। कैप्टन के कितने सितारे होते हैं, 3। फिर मेजर जो बनता है उसका चांद सितारा लग जाता है, मेजर पे क्या लग जाता है उसको, चांद सितारा। फिर लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, उस चांद सितारे के आगे एक सितारा लग जाता है। फिर पूरा कर्नल होता है, उस चांद सितारे के आगे क्या लग जाते हैं, 2 सितारे लग जाते हैं। और फिर जब वो ब्रिगेडियर बनता है ये सारे खाते साफ हो जाते हैं। फिर एक बड़ा सा उसको जो है वो लगता है, उसका वो पिछला बैच जो चांद सितारे वाला चेंज हो जाता है, और उसके आगे क्या लग जाता है उसको, 1 स्टार हो जाता है। फिर उसके जो नंबर प्लेट होती है गाड़ी की उस पर भी कितना स्टार लग जाता है, 1 स्टार लग जाता है। फिर 1 के बाद वो बनता है आगे जाके मेजर जनरल, 2 स्टार। फिर लेफ्टिनेंट जनरल, 3 स्टार। और फुल जनरल पे वो कितने स्टार हो जाता है, 4 स्टार हो जाता है। फुल जनरल को क्या कहते हैं, जनरल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जनरल। इससे एक ऊपर भी ओहदा होता है और उसको कहते हैं फील्ड मार्शल। क्या कहते हैं, फील्ड मार्शल। वैसे वो शख्स होता है जो 3 जंगें लड़ा हो, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक ही फील्ड मार्शल है, और वो कौन है, अयूब खान। ये 5 स्टार होता है। और अयूब खान को फील्ड मार्शल बनाया किसने था, उस वक्त के सदर ने, सदर पाकिस्तान ने अयूब खान को फील्ड मार्शल का ठप्पा लगाया था, उसको वो उसका क्या लगाया था, सितारा लगाया था। और सदर पाकिस्तान उस वक्त कौन था, अयूब खान। सदर पाकिस्तान अयूब खान ने खुद को ही फील्ड मार्शल अयूब खान का ठप्पा लगाया था। शेरवानी पहनी, उधर से ऐसे गया, यहाँ से उसने उठाया, इधर आके वर्दी पहनी, और एक हाथ से शेरवानी, और ऐसे करके उसने खुद को क्या कर दिया। ये तो मुशर्रफ भी ऐसे ही करता था, मुशर्रफ भी क्या करता था, शेरवानी पहनता था, जाके दफ्तर में बैठता था, उधर से आर्मी चीफ बन के वर्दी से कुछ चीज़ उधर भेजता था, और उसमें क्या करता था फिर, अप्रूवल। इस तरह की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पाकिस्तान में बड़ी अजीब अजीब बातें नजर आएंगी, लेकिन आपने भूल कर जो चीज़ें याद रखनी है, पहला मार्शल लॉ किसने लगाया, अयूब खान ने। कब लगाया, 7 अक्टूबर 1958। अयूब खान क्या था, पहला नेटिव चीफ था, और क्या था, फील्ड मार्शल। अयूब खान को लोग इसलिए पसंद करते हैं कि अयूब खान ने यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स की थी। क्या की थी जनाब, लैंड रिफॉर्म्स, ज़रूरी असलाहत की थी। इसने कहा था कि जो ज़रूरी ज़मीनें हैं जो 500 एकड़, और जो बरानी ज़मीनें हैं वो कितनी, 1,000 एकड़, इससे ज़्यादा किसी के पास ज़मीन वगैरह नहीं रहेगी। ये भी आप लफ्ज़ याद रख लें, 500 एकड़, इसके लिए लफ्ज़ याद रखना इरीगेटेड, और अन इरीगेटेड के लिए कितना फिगर था। इसने कहा था कि एक बंदा इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं रखेगा, तो इससे ज़्यादा अगर किसी के पास ज़मीन है तो इसने लेकर लोगों में तकसीम कर दी थी, मालकाना हकूक तकसीम कर दिए थे। और इसने करप्शन जो थी सरकारी मुलाज़मीन की, उसको ख़त्म करने के लिए 3,000 सरकारी मुलाज़मीन, उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया था। लेकिन इन बातों को छोड़ें जनाब, मार्शल लॉ लग गया। अयूब खान ने कौन सा आइन दे दिया, प्रेसिडेंशियल आइन। किसने दिया ये दूसरा आइन, किसने दिया, अयूब खान ने। कब दिया, 8 जून 1962 को। किस चीज़ का था, प्रेजिडेंशियल। अच्छा यहाँ पे आर्टिकल याद रखना, इसमें 280 आर्टिकल थे, सॉरी 234, इसमें 234 थे, इसमें 250 आर्टिकल थे, और ये मौजूदा में कितने आर्टिकल है, 280 आर्टिकल है। अच्छा आइन दे दिया, और कौन सा आइन दे दिया अयूब खान ने, सदारती, और ख़ुद पाकिस्तान का क्या बन गया, सदर। इसने क्या किया था सदर, और आइन कौन सा दिया था, पार्लियामेंट, तभी तो इसको भागना पड़ा। ये क्या था, ये था सदर, और आइन भी कौन सा दिया,
सदारती, और सारी पावर किसके पास थी? सदर के पास थी। लिहाजा ये पाकिस्तान का सदर बन के बैठा और इसने फिर सारे जो मामलात थे वो किए। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा आपने जहन में रखना है, हम किधर चल रहे हैं, 1962 का आइन आ गया। 1962 का आइन आने के बाद अयूब खान साहब का एक राइट हैंड था, और वो राइट हैंड कौन था? जुल्फ़कार अली भुट्टो। जुल्फ़कार अली भुट्टो की सियासत कहाँ से स्टार्ट हो रही है, किसके दौर से स्टार्ट हो रही है? अयूब खान। आजकल हमारा फॉरेन मिनिस्टर कौन है पता होना चाहिए, शाह महमूद कुरैशी है। अहमियत है ये नहीं फॉरेन मिनिस्टर की, है ना? जुल्फ़कार अली भुट्टो वाज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अयूब खान। जुल्फ़कार अली भुट्टो क्या था? अयूब खान का फॉरेन मिनिस्टर था। अब इसी दौरान एक मसला हुआ पाकिस्तान में बहुत बड़ा, वो कौन सा था? 1965 की वार। जब 1965 की जंग होती है तो 1965 की जंग के अंदर अब यहाँ के हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं। आल दो आखिर पे जंग बंद करवा दी जाती है, इसमें माहदा ताशकंद होता है जिसके अंदर पाकिस्तान, और इधर एक भुट्टो साहब एक बयान देते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारे अयूब खान साहब ने मैदान में जीती हुई जंग टेबल पे हार दी। असल में तो हम मैदान में भी कोई नहीं जीते थे, अगर हम क्रिटिकली देखें हम मैदान में भी जंग जीते नहीं थे, स्पिरिचुअली कहें तो हम जीते भी थे। क्या मतलब नहीं जीते थे? आप कहोगे कि लगता है कि आज सर का दिमाग थोड़ा सा घुमा हुआ, कभी कहते हैं जीते थे और कभी कहते हैं जीते नहीं थे। जीते नहीं थे इसलिए कि इंडिया ने हमारा ज़्यादा एरिया कवर किया था, और हम जीते थे इसलिए कि हमने अपने से बड़े इंडिया का इतने दिन तक मुकाबला किया हुआ था और हम उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। जिस तरह रशिया ने कुछ ही दिनों में यूक्रेन को उठाकर फेंक दिया है ना, इतना ही फ़र्क था, इससे ज़्यादा फ़र्क था इंडिया में और पाकिस्तान में, लेकिन हमने उसको आगे बढ़ने, अगर हम इस तरह देखें कि हमारा जो मुकाबला था हमसे कई गुना बड़ी फौज के साथ था, तो फिर ये हमारी जीत थी। बट अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो उनके पास हमारा एरिया क्या था? ज़्यादा था। तो दोनों बातें हैं, लेकिन हम उस बहस में नहीं पड़ेंगे कि हम जीते या हमारे। हमने जिस बहस में जाना है वो बहस कौन सी है? 1965 की जंग हो गई। 1965 की जंग के बाद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब अलग हो गए। क्या हो गए? अलग हो गए। जब ये अलग होते हैं तो इस वक्त 65 की जंग में हमारे हालात बहुत ख़राब हो गए और यहाँ पर लोग तरसने लग गए। किस चीज़ को? रोटी कपड़ा और मकान। तभी 1967 में जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का नारा कामयाब हुआ, रोटी कपड़ा और मकान। और 1967 में जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की बुनियाद रखी रोटी कपड़ा और मकान के नारे से। अवाम ऐसी बेवकूफ़ है, अवाम ऐसी निकम्मी है, ये जो लोग महंगाई मुकाओ मार्च में चल रहे हैं, क्या किसी को महंगाई से फ़र्क पड़ता है? कोई सिंगल पर्सन महंगाई के लिए निकला है? एक भी बंदा महंगाई के लिए नहीं, अपनी सीट के लिए। कल तो एक दूसरे को कुत्ता कह के सड़कों पर घसीटने की बातें कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर गलीज बातें करते थे, बेईमान चोरी और इस तरह के ठप्पे लगाते थे। आज सब भूल कर वो क्या हो गए हैं? इकट्ठे हो गए, चाहे वो हुकूमती जमात है चाहे वो क्या है। हुकूमती जमात एक दिन किसी को लोटा कहती है, अगले दिन जब वो वापस आता है उसे सीने से लगा लेते हैं। ये बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं? हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे। लेकिन हमने उस बहस में नहीं जाना, हम वापस इधर आते हैं जाके इसको क्लोज करते हैं। और क्लोज़ कैसे करते हैं? यहाँ पर क्लोज करते हैं। 1967 में क्या हुआ? पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जुल्फ़कार अली भुट्टो ने इसकी बुनियाद रख दी। अब हुआ क्या? भुट्टो साहब ने ज़ोर डालना शुरू कर दिया अयूब खान साहब पे कि जी बस अब इलेक्शन कराएं जनाब आप, ताकि मामलात ठीक हों। लेकिन जब ज़ोर बढ़ा, एहतजाज शुरू हुआ, तो अयूब खान साहब ने इलेक्शन करवाने की बजाय फिर वही काम किया जो यहाँ पर हुआ था। क्या काम किया? 25 मार्च 1969 उसने जो अपना बनाया हुआ आइन है उसको क्या कर दिया? एब्रोगेट कर दिया, और मुल्क में फिर मार्शल ला लगा दिया। और सेकंड मार्शल ला किसको दे दिया? सारा कुछ किसको दे दिया? यहया खान को। अब अगर कोई हमसे ये पूछे कि पाकिस्तान में सेकंड मार्शल ला कब लगा था,
वो लगा था 25 मार्च 1969। किसने लगाया था जनाब? याहिया खान ने। और इसके बाद पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा चेंज आया। यहाँ पर एक लफ्ज़ आप पहले लिखे 1970 और उसमें लिखे LFO, ये पॉइंट यहीं पर समझ ले। LFO 1970, आपने मुशर्रफ के लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर का नाम सुना होगा, उससे पहले लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर आया था 1970 में। एक थोड़ा अच्छा, आप सब लोगों ने ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान सुना? सिर्फ सुना ही है ना, क्या था ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान क्या था किसी को पता नहीं होगा। इनफैक्ट जब पाकिस्तान बना तो हमारे सूबे थे टोटल कितने? 5। कितने सूबे थे जनाब? 5। एक था बंगाल जो आज बांग्लादेश है, सिंध, पंजाब, KPK जब NWFP था, और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पूरा सूबा नहीं था जब पाकिस्तान बना, तो बलूचिस्तान में गवर्नर कोई नहीं था। क्या था फिर बलूचिस्तान में? चीफ कमिश्नर होता था, छोटा सूबा था, बकायदा सूबा वो नहीं बना था। जब बंगालियों ने शोर मचाया तो हमने यहाँ पर वन यूनिट बना दिया। क्या बना दिया? वन। तो पाकिस्तान के कितने सूबे हो गए? 2। एक सूबा हो गया ईस्ट पाकिस्तान और एक सूबा हो गया वेस्ट पाकिस्तान। कितने सूबे हो गए पाकिस्तान के? 2। तो वेस्ट पाकिस्तान में क्या था? ये चारों सूबे जोड़ के एक सूबा बना दिया गया। लाहौर में उसकी असम्बली बनी, मतलब असम्बली जो सिंध का अलग वज़ीर आला ख़त्म कर दिया, बलूचिस्तान का ख़त्म कर दिया, NWFP का ख़त्म कर दिया, पंजाब का ख़त्म करके इनके कितने वज़ीर आला बना दिए? सिर्फ एक। एक वज़ीर आला इधर होगा और एक वज़ीर आला कहाँ पर होगा? ईस्ट पाकिस्तान में। और इनके ऊपर एक क्या होगा? इनके ऊपर एक जो है वो वज़ीर आज़म और सदर होगा। तो टोटल पाकिस्तान के कितने सूबे हो गए? 2 सूबे हो गए। तो वेस्ट पाकिस्तान क्या बनाया गया था? यह सारा जो हमारा पूरा मौजूदा पाकिस्तान है, ये वेस्ट पाकिस्तान, ये क्या बन गया था? दरहकीकत एक सूबा। आप ला पढ़ते हैं ना, वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट, तो वो इस सूबे के लिए बनाया गया था। तो वेस्ट पाकिस्तान क्या था? एक सूबा। ये क्यों बनाया था हमने? इसलिए बनाया था कि बंगाल वाले कहते थे जी उधर चार सूबे हैं, उधर हुकूमतें ज़्यादा हैं, खर्चे ज़्यादा हैं, हमारे पास जनाब एक सूबा है, हमें जो है ना वो खर्चे कम देते हैं आप लोग, तो लिहाजा एक सूबा इधर है तो उधर भी एक सूबा बराबर बराबर करें, ताकि खर्चे क्या लाजमी आते, जब सूबा ज़्यादा होगा तो खर्चे भी क्या होंगे? असम्बली के लोग ज़्यादा होंगे, उसके वज़ीर आला होगा, वज़रा होंगे, तो खर्चे तो बढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा ना जी बराबर करें, एक सूबा इधर करें और एक सूबा किधर करें? आप उधर करें। तो लिहाजा वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। इसने क्या किया याहिया खान ने 1970 में LFO में वन यूनिट, इसको कहते हैं वन यूनिट, इसको क्या कहते हैं? अब आपको पता चल गया जी, अगर कोई पूछे जी वन यूनिट क्या है, उसे कहो जी वन यूनिट ये है कि जो चार प्रोविंस हैं जो मौजूदा पाकिस्तान है, इसको जब जमा करके बनाया गया था, क्या किया गया था? वेस्ट पाकिस्तान का एक सूबा बनाया गया था। वेस्ट पाकिस्तान के सूबे में कौन था? मौजूदा पंजाब भी था, उसके बाद बलूचिस्तान भी था, और सिंध भी था, और KPK भी था। इन सबको मिलाकर जब एक सूबा बनाया गया तो उसको वन यूनिट का नाम दिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? वेस्ट पाकिस्तान या वन यूनिट कहते हैं। 1970 में LFO में याहिया खान ने वन यूनिट को तोड़ दिया। वन यूनिट को क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो पंजाब के दोबारा कितने सूबे बन गए? वापस 4। जब ये जुड़ा था तो बलूचिस्तान छोटा सूबा था, जब ये टूटा तो बलूचिस्तान पूरा सूबा बन गया। बलूचिस्तान को क्या बना दिया? पूरे का पूरा सूबा बना दिया। तो यहाँ पर बलूचिस्तान जनाब पूरे का पूरा आपका सूबा बन गया। कब बना बलूचिस्तान पूरे का पूरा सूबा? बलूचिस्तान पूरे का पूरा सूबा बना आपका LFO 1970 के ज़रिए से पूरा सूबा बन गया। तो पूरा सूबा जब बना तो बलूचिस्तान में फिर हमें पता चला कि लेफ्टिनेंट जनरल जो रियाज हैं वो पहले इसके गवर्नर बने, और उसके बाद जो मौजूदा अता हैं अख्तर मैंगल साहब, इनके वालिद थे अताउल्ला मैंगल साहब, तो अताउल्ला मैंगल साहब क्या बने? वो जनाब इसके पहले वज़ीर आला। तो 1970 से पहले इसमें कोई वज़ीर आला या गवर्नर नहीं था। दूसरा मार्शल ला लग गया, दूसरे मार्शल ला में जुल्म हो गया। कौन सा जुल्म हो गया? 1971 वाला। कौन सा जनाब? 1971 में क्या जुल्म हुआ? पाकिस्तान की क्या हो गई? तकसीम हो गई, और बंगाल एक अलग मुल्क के तौर पर, बांग्लादेश के तौर पर हमसे क्या हो गया? अलग हो गया। किसके दौर में अलग हो गया? ये अलग हो गया याहिया खान। अच्छा, यहाँ पे जो इलेक्शन हुआ था 1970 में, दरहकीकत उस इलेक्शन में क्या हुआ था? शेख मुजीबुर रहमान जीत गया था और उसके मुकाबले में जुल्फ़कार अली भुट्टो था जो हार गया था, क्योंकि इलेक्शन होना था ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को क्या करके? मिला के।
तो इलेक्शन जब मिला के होना था तो शेख मुजीबुर रहमान जीता था, तो वज़ीर आज़म कौन बनता था? शेख मुजीबुर रहमान। लेकिन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने शोर मचा दिया, इजलास ना होने दिया, और नतीजा क्या हुआ? शेख मुजीबुर रहमान ने कहा कि जब मैं इलेक्शन जीता हूँ तो मुझे वज़ीर आज़म बनाओ भैया, आप क्यों नहीं बनाते हो? जब इन्होंने वज़ीर आज़म नहीं बनाया तो उसने मुल्क को क्या कर दिया, उसने या जिसने भी, हम उस बहस में नहीं पढ़ते। पाकिस्तान टूट कर दो हिस्सों में तकसीम हो गया, और ये सब कुछ किस में हुआ? सेकेंड मार्शल लॉ में हो गया। यहाँ पे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब अभी अमेरिका में हैं। जब बांग्लादेश हमसे अलग होता है, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब कहाँ पे हैं? अमेरिका में हैं। पाकिस्तान का त्यारा जाता है PIA का, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को वहाँ से लेकर आता है, और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को पहला मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाता है, सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। एक दिन की इनको वर्दी भी पहनाई जाती है। आपने सुना होगा कि जब कभी टॉक शो होते हैं कि जनाब PP तो मार्शल लॉ की पैदावार है, वो इस वजह से है कि जो भुट्टो साहब पहली बार गवर्नमेंट में आए थे, किस तरह आए थे? वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन के आए थे। खैर, उन्होंने फिर अपने आप को कुछ अरसे बाद चेंज कर दिया, और चेंज करके वो क्या बन गए? सदर बने पहले, और उसके बाद फिर वो 14 अगस्त 1973 को जब उन्होंने ये आइन दिया तो वो क्या बन गए? पाकिस्तान के वजीरे आज़म बन गए, जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। तो ये आइन किसने दिया था? ये आइन दिया था ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने दिया था। कब दिया था? 14 अगस्त 1973 को दिया था। भुट्टो साहब के 5 साल पूरे हो गए जनाब, 5 साल पूरे हो गए भुट्टो साहब के। तो 5 साल के बाद जब भुट्टो साहब के जाने का टाइम आया, दोबारा इलेक्शन हो गया। दोबारा इलेक्शन में फिर भुट्टो साहब जीत गए। जब दोबारा इलेक्शन में फिर भुट्टो साहब जीते तो यहाँ पे अपोजिशन ने शोर मचाया कि जी धांधली हुई है, धांधली हुई है, धांधली हुई है। बड़ा शोर शराबा मच गया, आवाम सड़कों पर आ गई, अपोजिशन सड़कों पर आ गई। अपोजिशन को रोकने के लिए जनाब भुट्टो साहब ने वो एक ऑर्डर जिसके उन्होंने वो जारी किया कि जनाब कि वो अपोजिशन लीडर को कत्ल करवा दिया जाए, वो बड़ा एक अजीब कॉन्ट्राडिक्ट्री बहस है कि उसने जारी किया था नहीं किया था, हम उस चक्कर में नहीं पड़ते। लेकिन हुआ क्या? मुल्क के हालात इस हद तक ख़राब हुए कि यहाँ पर 5 जुलाई 1977 को, अच्छा एक चीज़ ध्यान में रखनी है जनाब आपने, पहले मैंने लफ्ज़ क्या यूज़ किया इधर, क्या लफ्ज़ है? ये लफ्ज़ देखो क्या है? एब्रोगेट। ये क्या है? एब्रोगेट। यहाँ पे मैं लफ्ज़ लिखूंगा, क्या लफ्ज़ मैंने लिखा? सस्पेंड या पुट इन अबेंस। क्या लफ्ज़ लिखा मैंने? सस्पेंड या पुट इन अबेंस। देखिए, पहले दोनों मार्शल लॉ जब लगे थे तो पहले दोनों आइन क्या हुए थे? एब्रोगेट हुए थे। तीसरा मार्शल लॉ लगा तो आइन अगर एब्रोगेट होता तो फिर आज तक ये चल ना रहा होता। आज तक आइन चल रहा है ना, इसलिए चल रहा है 1973 का आइन, क्योंकि ये एब्रोगेट नहीं हुआ था। ये क्या हुआ था? ये हुआ था सस्पेंड, पुट इन अबेंस हुआ था। कब हुआ था पहली बार? जब मार्शल लॉ लगा था। तो अगर आपसे मैं ये पूछूं कि पाकिस्तान के आज तक कितने आइन एब्रोगेट हुए हैं, टोटल कितने आइन एब्रोगेट हुए हैं? दो। अच्छा, यहाँ पे दरमियान में कुछ अरसे के लिए 1972 का इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन भी आया था। कौन सा? 1972 का यहाँ पे आया था, वो आरजी तौर पर जब भुट्टो साहब को हमने बनाया था तो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन आया था। और जब पाकिस्तान बना था तब भी हमने एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन लिया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला हमारा क्या बना था? इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरिम का मतलब क्या होता है? आरजी, कि जब तक हम अपना आइन नहीं बनाते तब तक इसको आरजी आइन के तौर पर हम अपने पास रखेंगे। तो खैर, अब आ गए जी मार्शल लॉ के ऊपर, तीसरा मार्शल लॉ लग गया। किसने लगाया जनाब? मार्शल लॉ लगाया ज़ियाउल हक साहब ने। ज़ियाउल हक साहब का जो पीरियड है वो पाकिस्तान में कहलाता है इस्लामाइजेशन का। इस्लामाइजेशन क्या मतलब है? कि इसमें इस्लामी कवानीन, हुदूद कवानीन वो नाफिज हुए, रमज़ान ने एहतराम रमज़ान ऑर्डीनेंस आया, और बहुत सी चीज़ें यहाँ पर आईं जो कि उसमें ये था कि बच्चियों के लिए पर्दा लाजमी करार दिया गया, TV के ऊपर खबर पढ़ने वाले के लिए पर्दा लाजमी करार दिया गया, और इसके अलावा और बहुत से ऐसे पॉइंट थे जिसके ऊपर जो इस्लाम के हवाले से जो तालीमात हैं उनको नाफिज करने के लिए इकदाम किए गए। लिहाजा ये पीरियड कहलाता है इस्लामाइजेशन का पीरियड कहलाता है। यहाँ पर जो मेन है, फिर 8वीं तरमीम वगैरह हो जाती है और सारा मामला होता है। तो उसके बाद फिर ज़ियाउल हक़ साहब का आपको पता है कि वो एक हादसे में शहीद हो जाते हैं, और उसके बाद जो है फिर वो मामला है। तो आज के लिए हम इतना ही इसको क्लोज़ करते हैं। इसमें जो याद रखने वाली बातें हैं सुनते जाएं जी गौर गौर से। पाकिस्तान में कितने गवर्नर जनरल आए? 4। आइन टोटल कितने हैं? 3। 2 एब्रोगेट हुए, 1 अभी तक चल रहा है। टोटल मार्शल लॉ कितने लगे हैं? 3। अब सवाल यह था कि सर अगर 3 मार्शल लॉ लगे हैं तो फिर मुशर्रफ साहब ने क्या किया था? एमरजेंसी लगाई थी, मार्शल लॉ नहीं लगाया था। वो हम कल के लेक्चर में, हम यहाँ से आगे चलेंगे, तीसरे मार्शल लॉ से आगे जो है वो जब ज़ियाउल हक़ साहब का वाक़या होता है जहाज़ में उसके शहीद होने का, उसके बाद
कल को फिर हम आगे तक लेकर आएंगे। आज तक हम उसको कल के लेक्चर में करंट अफेयर्स में इंशाल्लाह उसको पूरा करेंगे। आज यहीं तक आप क्लोज़ कर लें। आज के लेक्चर में आपने ये तीनों आइन का फ़र्क समझना है कि 23 मार्च 1956, 8 जून 1962, 14 अगस्त 1973, उसके अंदर 234, 250, 280 आर्टिकल, वो पार्लियामेंट्री, ये प्रेसिडेंशियल, ये फिर पार्लियामेंट्री हो गया। ये फ़र्क आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल कौन सा आया, सिर्फ एक आइन आया। कौन सा आया? 1962 का किसने दिया था? अयूब खान ने, मुस्कंदर मिर्ज़ा ने। और ये किसने दिया था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। इस आइन को ख़त्म ही किसने किया? सिकंदर मिर्ज़ा ने खुद किया, मार्शल ला अयूब खान ने लगा दिया। ये आइन ख़त्म हो गया यहिया खान ने और मार्शल ला लगा दिया यहिया खान ने। ये आइन पुटिन अबेंस हुआ, मुशर्रफ ने भी इसको पुटिन अबेंस किया, ख़त्म नहीं किया। लिहाजा ये आइन अभी तक इसलिए चल रहा है कि आज तक ये ख़त्म नहीं हुआ। और ज़ियाउल हक साहब ने क्या किया? जनाब ज़ियाउल हक साहब ने मुल्क में मार्शल ला लगा दिया। ये सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में आपके साथ रिपीट होते हैं। भी कोई क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहें तो पूछ लें जनाब।